हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल A60s फ़ोन है, तो आईटेल A60s फ़ोन की फाइल ऑप्शंस पे जाकर आप कैसे फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोटो एंड वीडियोस को आप हाइड कैसे कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस में, और कैसे आप फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड करके शो कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप फ़ोन के फाइल ऑप्शंस पे जाकर फ़ोटो वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। तो सिंपली आपके पास ये आइकन्स शो हो रहे हैं, तो आपको सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको फाइल आइकन्स पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं आप, तो आपको ये फाइल आइकन्स दिख रहा है, तो इस पर जाना है। तो फाइल आइकन्स पे जाकर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, इमेज। तो इमेज पे जाकर जो भी आप फ़ोटोज़ को हाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको सिंपली क्लिक करना है, आपको इस वह सेलेक्ट कर लेना है कुछ फ़ोटोज़ को जिसको हाइड करना है। हाइड करते ही आपको थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर कर देना है, और मूव टू सेव फोल्डर करते ही जो भी आपकी फ़ोन में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ होंगी हाइड हो जाएंगी, और हाइड होते ही आपके फ़ोन में शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको हाइड कर दिया है। इस तरीके से आप वीडियोस को भी हाइड कर सकते हैं। कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, फिर इसको थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर कर देना है, और आपकी वीडियो भी हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और जैसे आप इनको शो करना चाहें तो शो करने के लिए सबसे पहले फ़ाइल पे जाकर आपको सेव फोल्डर का ऑप्शन देखना होगा। सेव फोल्डर पे जाकर आपको पासवर्ड डाल देना, और पासवर्ड डालते ही आप इस तरीके से फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोटो एंड वीडियोस को शो कर सकते हैं अपने हाइड करके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू।